जिस अफगानिस्तान की धरती को तालिबान ने लहूलुहान किया, अब वहीं पर उसकी कब्र खुदनी शुरू हो गई है। दरअसल तालिबान के गुट में बड़ा खेल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी की मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प हुई है। ये झड़प इसलिए हुई क्योंकि हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और उसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री का पद मांग रहा था, लेकिन तालिबान ने पद देने से मना कर दिया। ये दावा NRF ने किया है, भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर पूरा मसला क्या है। दरअसल NRF ने दावा किया है कि काबुल में तालिबान सरगनाओं के बीच फूट इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी तक होने लगी। NRF ने यह भी दावा किया कि तालिबानी मुखिया मुल्ला बरादर इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं और उसका इलाज आतंकियों का पालन पोषण करने वाले देश पाकिस्तान में किया जा रहा है। इसी गोलीबारी की वजह से अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई। इसी घमासान को शांत करने के लिए पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी प्रमुख जनरल फैज हमीद को काबुल भेजना पड़ा है। हालांकि तालिबान के नेताओं ने हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पद देने की बात कही थी, क्योंकि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अनस हक्कानी को राजधानी की सुरक्षा का प्रभार भी सौंपा गया था। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफी नाराज था। याकूब ने उसी दौरान गुस्से में कहा कि दोहा में विलासिता का जीवन जीने वाले नेता जमीन पर लड़ने में शामिल लोगों पर शर्तें नहीं थोप सकते हैं। यानी कि साफ है, सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियों का अंबार है। कई कबीलों के सरदार ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग कबीलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंक चुके हैं और कुछ तैयारी में हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबान के सूत्रों के हवाले से बताया था कि तालिबान ने अब पंजशीर पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। यहाँ अब तक तालिबान विरोधी गुट का कब्जा था। हालांकि इस दावे को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, मैं अपनी मिट्टी के साथ हूं और इसकी गरिमा की रक्षा कर रहा हूं। वहीं पंजशीर से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट में कहा गया था, पाकिस्तानी, रूस और चीन पंजशीर रेजिस्टेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। खैर, नई सरकार में नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। देखना ये भी होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को तालिबान अपनी सरकार में शामिल करेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।